बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। हेलो दोस्तों, मित्रों, यारों, स्वागत है तुम लोगों का तुम्हारे चैनल पे, टू द यूथ, बाय द यूथ, फॉर द यूथ। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज जो कहानी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो है तुम लोगों के लिए, वो है बड़े घर की बेटी। इसके राइटर हैं वन एंड ऑल मुंशी प्रेमचंद। और ये कहानी का पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताते चलो तुम लोगों को। ये एक्चुअली वो कहना चाहते हैं कि जो बड़े घर की बेटियां होती हैं, या यूं कहो कि जो ऊंचे संस्कार की लड़कियां होती हैं, वो किसी भी घर में जब शादी के बाद जाती हैं तो वहाँ को, वहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसे निपटती हैं अपने हिसाब से, ताकि फैमिली को जोड़ के रखें। उनके अंदर वैसे संस्कार होते हैं। एक बात और, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, डू हिट द लाइक बटन। एंड देखो, ये सब जो भी स्टोरीज़ मैं लेके आता हूँ, ये लोग तुम अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन में जब ये स्टोरी लिखी गई थी, बैक इन 1900s, 1920, 1910, लाइक दैट। सो ट्राई टू इमेजिन इन दैट सिचुएशन। और अभी भी ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें अभी भी देखने को नहीं मिलती हैं, मिलती हैं। शायद तुम और मैं इन चीज़ों से अलग हैं अभी फ़िलहाल, या फिर कुछ हो सकते हैं देखने वाले जो अभी भी इन चीज़ों में हैं। सो फॉर एन एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आप जैसे, तुम लोग जैसे मूवी देखते हो, एवेंजर्स हो गया, हम लोग देखते हैं, क्या हम लोग क्या रियलिटी में कैप्टन अमेरिका हैं क्या, या वकांडा में जाते हैं क्या? नहीं है। लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी है कि हम लोग उसे रिलेट कर पाते हैं। बस यही है कि अपने आप को इस कहानी के हवाले कर दो। बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं की कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था, अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी जिसके शरीर में अस्थि पंजर के सिवा और कुछ शेष न रहा था, पर दूध शायद बहुत देती थी क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक न थी। ठाकुर साहब के दो बेटे थे, बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी, अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था, भड़ा हुआ मुखड़ा, चौरी था छाती। भैंस का दो सेर ताजा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता था। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं दो अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन दो अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था, आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे से उनके कमरे से प्राय खरल की सुरीली कर्णम मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से बड़ी लिखा पढ़ी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में वह बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पाठ लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गाँव की ललनाएं उनकी निंदक थीं।
कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके तो आए दिन की कलह में जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी शिकरे, झाड़ फानुस, आनरेरी मजिस्ट्री और रिन, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदार चित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियाँ हुई और देव योग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किए, पर 15-20 हजार रुपयों का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी 4थी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते हैं, तो सही बात है। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करे। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया, शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से ही आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ, बाग बगीचा था ही नहीं श्रीकंठ के घर में। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े ही दिनों में अपने को इस नई अवस्था के साथ ऐसा अनुकूल बना लिया मानो उसने विलास के सामान कभी देखे ही न थे। यहाँ पे पार्ट 1 एंड होता है। तो स्टोरी तो तुम लोगों को समझ में आ रही होगी, कुछ एक्सप्लेन करने जैसा इसमें है नहीं। अभी तो इंट्रो ही हुआ है सभी का, पार्ट 2 देखते हैं। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह, उसका छोटा भाई श्रीकंठ का, 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, भावज मतलब भाभी, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हाड़ी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। बड़े घर की बेटी, किफायत क्या जाने। उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही घी आया है, इतना जल्द उठ गया। आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुद्धा से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पे तिनक जाता है, मतलब भूखा इंसान। लाल बिहारी को भावज की यह ढिढाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, गलियां सह लेती स्त्री, गालियां सह लेती हैं, मगर मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उससे नहीं सही जाती। तो रियलिटी है। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते हैं। अब वो अपने को डिफेंड कर रही है खुद के मायके वाले को। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीव पकड़ के खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया,
मुंह लाल हो गया, बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखाते, अपने हस्बैंड के बारे में। अब अपढ़ उज्जड़ ठाकुर से न रहा गया, उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी, जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खराव उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खराव रोकी, सिर बच गया पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है, उसे अपने पति की ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है।